आयोजन और हमारे गायनी इनफर्टिलिटी टॉक सीरीज में आज भी हमारा टॉपिक है कोरोना एंड प्रेगनेंसी। हमारे पार्ट टू में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर सारे प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं और फिर भी आपको प्रेगनेंसी में कोरोना हो जाता है, कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपके बच्चे पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अब हम एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। तो कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से, नाक से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं वो अगर किसी व्यक्ति पर सीधे पड़ जाए तो उसे कोरोना हो सकता है, या तो ये किसी सरफेस पे, किसी चीज पे पड़े और उसको कोई दूसरा व्यक्ति आकर छुए और वापस से अपने मुंह, नाक, आंख छुए तो ये इन्फेक्शन उसे हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। आपको बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ठंड लग सकता है, गला खराब हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द रह सकता है, सर दर्द हो सकता है, आपके टेस्ट की क्षमता और किसी चीज को स्मेल करने की, सूंघने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। इस वायरस से एक्सपोजर के 2 से 14 दिन के बीच में कभी भी आपके सिम्टम शुरू हो सकते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। अब अगर आपकी प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो इसका आपकी प्रेगनेंसी पर, आपके बच्चे पर क्या असर हो सकता है। तो अभी तक हम जितना भी जानते हैं इसके बारे में उसके हिसाब से ये वायरस मिसकैरेज नहीं करवाता है, तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत में आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके मिसकैरेज के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये इन्फेक्शन माँ से बच्चे में नहीं जाता है। हाँ, पर डिलीवरी के आसपास अगर माँ को ये इन्फेक्शन हो जाता है और उसने सारी सावधानियां नहीं ली तो डिलीवरी के बाद, यानी जन्म के बाद बच्चे को माँ से ये इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी बात, कुछ केसेस में देखा गया है कि इस इन्फेक्शन से प्री टर्म डिलीवरी, यानी समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जरूरी बात कि अगर डिलीवरी के आसपास आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो डिलीवरी के बाद क्या आप अपने बच्चे को स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। हाँ, ये वायरस ब्रेस्ट मिल्क में नहीं आता है, सिक्रीट नहीं होता है, इसलिए डिलीवरी के आसपास अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, लेकिन आपको सारी सावधानियां, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे। मास्क पहनना होगा, अपने हाथों को, ब्रेस्ट को अच्छे से साफ करना पड़ेगा फीड कराने से पहले, और फीड कराते समय खांसना या छींकना अवॉइड करें। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है कि माँ अपने ब्रेस्ट मिल्क को निकाल कर एक्सप्रेस करके दे सकती है, जो कोई और व्यक्ति जो इन्फेक्टेड ना हो वो उस बच्चे को पिला दे। उम्मीद है ये जानकारी आपके मन में जो भी प्रेगनेंसी और कोरोना को लेकर जो भी एंजाइटी है, जो भी डर है, उसको कम करने में हेल्प करेगा। थैंक यू। आप अपने क्वेरीज या सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उनका जवाब दूं। और अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे लिंक पर क्लिक करें।